हेलो स्टूडेंट्स मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा के जो पहला चैप्टर है उसका एक वन शॉट रिवीजन हमने जो पहला चैप्टर कराया था उस जो भी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है तो उसका एक जल्दी से एक वन शॉर्ट रिविजन स्टार्ट करते हैं और इस, रिव... इसके अंदर मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने यहां पर कवर किया है तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस रिविजन में कौन कौन से क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है उनको हम बिल्कुल करेंगे और समझते भी चलेंगे तो चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने रिवीजन में जो मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया है वो है संख्याएं वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब तक हमें वो संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हम लोगों को ये पता नहीं होगा कि इन संख्याओं में होता क्या है जैसे पहली संख्याएं क्या होती हैं आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा या जिसने मेरा वो वीडियो देखा भी होगा उसमें मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया है एक बार यहां पर मैं एक बार उनको और एक्सप्लेन कर देता हूं हमारे रिविजन में देखो सबसे पहली जो होता है यहां पर क्या होता है पूर्ण संख्या जिनको हम कहते हैं होल नंबर ठीक है अब ये होल नंबर जो होते हैं हमारे ये जो होल नंबर होते हैं वो होते हैं जीरो से लेकर अनंत तक के ठीक है अब इसके बीच में ना माइनस नंबर आते हैं ना पॉइंट वाले नंबर आते हैं ना अंश और हर के नंबर आते हैं इसमें केवल जो आपको ये सीक्वेंस दिख रहा है इस तरह से नंबर आपको दिखते हैं दूसरा नंबर होता है ये हमारा प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं ठीक है, है। ये होते हैं नेचुरल नंबर ठीक है ये नेचुरल नंबर जो होते हैं ये हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहां तक चलते हैं आई बात समझ में बस इसमें और इसमें फर्क क्या है ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और ये कहां से स्टार्ट होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं दूसरा हो, तीसरा होता है हमारा ये फर्स्ट है पूर्ण संख्या दूसरा है प्राकृत संख्या और तीसरा है पूर्णांक तो पूर्णांक जो होते हैं हमारे वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि पूर्णांक क्या है नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है तो तीनों जो तीनों जो संख्याएं हैं इन तीनों संख्याओं में हम लोगों जो ने क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पूर्णांक जो हमारे पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या मतलब जिनको हम कहते हैं होल नंबर वो स्टार्ट होते हैं जीरो से लेकर अनंत तक मतलब इसके बीच में हमारे इस तरह के नंबर भी नहीं आएंगे माइनस के नंबर भी नहीं आएंगे और ना ही इसमें आएंगे हमारे प्राकृत संख्या में मतलब हमारी नेचुरल नंबर में भी नहीं आएंगे बट हां पूर्णांक संख्या जिसको हम कहते हैं जो हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स वो उनमें नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं मतलब वो नंबर नेगेटिव के साथ भी चलेंगे और पॉजिटिव के साथ चलेंगे जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं है ना अब अगली बात ये आती है अगली जो होते हैं हमारे वो होते हैं रेशनल नंबर ठीक है अब रेशनल नंबर क्या होते हैं रेशनल नंबर जिनको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, है। तो परिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में होती है मतलब कैसे देखिए परिमेय संख्या जो होती है वो p अपॉन q के फॉर्म में होती है जिसमें q ज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब q का जो मान होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है जैसे मान के चलिए ये upon है, ये है एक संख्या है ठीक है लेकिन यहां पर सेवन जो होगा ना वो अगर जीरो तो परिमय संख्या नहीं होगी क्यों अगर इसके नीचे जीरो हो जाएगा तो इसका मान इंफिनिटी पे चला जाएगा आई बात समझ में तो इसलिए पी ड्यू डॉट इक्वल टू जीरो कहते हैं पी अपॉन क्यू Q does not equal to zero मतलब Q का मान जीरो नहीं हो सकता अगर Q का मान जीरो हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी इस चीज को ध्यान रखिएगा लिखा है ऐसी परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है तथा P जो है जीरो के इक्वल नहीं है जैसे उदाहरण यह रहा दो तीन छह बटा सात एक परिमय संख्या है परिमय संख्या ऋणात्मक भी होती है हो, और धनात्मक भी होती है है ना जैसे ये है दो बटा तीन चार बटा सात पांच बटा परिमेय संख्या का टाइप है ठीक है ये एक परिमय संख्या का उदाहरण है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को मैं भी ऐसे लिख सकता हूं यह नेगेटिव है ठीक है ये नेगेटिव है तो हमने क्या समझा कि जो परिमय संख्या होती है वो पी अपॉन मतलब अंश और हर के फॉर्म में होती है अंश और हर जिसमें पी को कहते हैं ये होता है हमारा और ये कहलाता है हमारा हर ठीक है तो अंश और हर के फॉर्म में होती है और उसके बाद जो हर है वो जीरो नहीं होता है मैंने समझाया ना अगर हर जीरो हो गया अगर मेरा हर जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा आया समझ में तो हमने क्या Boyan, क्या सीखा हमने पहले सीखा पूर्ण संख्या जो जितनी भी मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, जितनी भी मैंने आपको संख्याएं बताई हैं, कौन कौन सी संख्या बताई हैं, मैंने आपको बताई हैं पहले जितना भी मैंने आपको ये रिवीजन कराया वो कुछ नियमों का पालन करती हैं। कुछ नियमों का पालन मतलब जैसे एक होता है हमारा संवृत्त दूसरा होता है हमारा क्रम विनिमय और तीसरा होता है सहचारिता ये तीन नियमों का कौन कौन सी जो संख्याएं हैं वो किस कंडीशन में मतलब उनके अंदर भी संवृत्त है तो उनके अंदर भी योग होता है व्यवकलन होता है गुणन होता है और भाग होता है तो इनमें से वो किसका पालन करती हैं, किसका नहीं करती हैं और ऐसे ही जो हमारा संवृत होता है है ना जो सहचारता होता है उसमें भी योग होता है व्यवकलन होता है घटाना होता है व्यवकलन और घटाना जो होता है उसको एक ही कहते हैं और गुणा होता है और भाग होता है तो ये सब चीजें क्या होती हैं ये संख्याएं जो होती हैं वो इनका पालन करती हैं कि नहीं करती है कि या ये अगर जैसे पालन कर रही है तो कहेंगे कि ये गुणा के लिए संवृत है ये प्लस के लिए मतलब ये योग के लिए सम्रत है इस तरह से हम अपने स्टेटमेंट लिखते हैं तो मैंने इनको कोशिश किया है कि इनको मैं एक तालिका के रूप में समझाऊं ये सबसे पहला होता है हमारा कौन सा जो कहलाती है संवृत ठीक है सम्रत समृत को हम लोग कहते हैं क्या संवृत होती है अब देखिए संवृत्त के अंदर परिमय संख्या भी है पूर्णांग भी है पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है अब ये लिखा हुआ है यहां पर हा नहीं हा नहीं हा नहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहां पर अब ये हा नहीं हा नहीं का मतलब क्या है तो इसका मतलब ये होता है कि परिमय संख्या जो है वो योग के नियम का पालन करती है तो वो हा है व्यवकलन के लिए भी करती है तो हा है गुणन के लिए भी करती है तो हा है पर वो भाग के लिए नहीं करती है है ना वो क्यों नहीं करती है इसका रीजन भी हम बताएंगे अभी उसके बाद जो पूर्णांक है वो योग का भी करेगा व्यवकलन का भी करेगा देखिए परिमय संख्या के लिए जो है वो मैं आपको परिमय संख्या के लिए के भी बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बताता हूं जैसे ये पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या है और ये प्राकृत संख्या है तो जो पूर्णांक कहलाते हैं पूर्णांक क्या कहलाते हैं पूर्णांक कहलाते हैं हमारे क्या पूर्णांक कहलाते हैं पूर्ण जो संख्या है ये पूर्ण संख्या ये कहलाती है हमारे होल नंबर और जो पूर्णांक कहलाते हैं ना वो पूर्णांक कहलाते हैं जो हमारे क्या होते हैं नेगेटिव uh, भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं मतलब जो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं अगर जैसे मैं सबसे पहले बात करूं पूर्ण हमारी प्राक चलिए पूर्ण संख्या की बात करता हूं जैसे पूर्ण संख्या है हमारी अगर मैं उसमें समृत नियम लगाता हूं जैसे फाइव प्लस टू योग का नियम लगाया पहला योग का नियम लगाया ठीक है योग का नियम लगाया तो क्या इनका योग भी एक क्या इनका योग भी एक प्राकृत संख्या आएगा सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं है ना कैसे अभी परिमय संख्या को नहीं सबसे पहले मैं आपको प्राकृत संख्या का डिफाइन करके बता रहा हूं मतलब प्राकृत संख्या को मैं योग में व्यकलन में गुणन में और भाग में रख के दिखा रहा हूं तो इनका मतलब यह होता है कि जब मैं इनको जोड़ू जब मैं इनको घटाऊं मतलब प्राकृत संख्या होती क्या है चलिए मैं आपको एक बार दोबारा लिख देता हूं जो हमारी प्राकृत संख्या होती है वो क्या होती है प्राकृत संख्या. संख्या स्टार्ट होती है कहा मतलब यहां तक जाती है और अनंत तक जाती है भाई यह तो जाती है ना प्राकृत संख्या अनंत तक है ना अनंत तक जाती है ये। अब अगर मैं इन दोन इन संख्याओं को अगर जोड़ूं तो मेरा आंसर भी क्या एक प्राकृत संख्या आता है उनको मैं टेस्ट करता हूं तो पहले मैं इनको टेस्ट कर रहा हूं तो चलिए पहले इसको मैंने बताया तो योग के लिए करता हूं तो पहले योग के लिए करेंगे चलिए योग के लिए मैंने बताया तो देखो फाइव प्लस टू क्या हो गया सेवन तो आंसर भी क्या एक आया प्राकृत संख्या आया बिल्कुल आया है ना प्राकृत संख्या आ गया लेकिन अब मैं इसको करता हूं घटाने के नियम में तो घटाने के नियम में करता हूं तो क्या हो जाएगा क्योंकि प्राकृत संख्या जो है वो व्यक्वलन में नहीं होती है तो वो नहीं क्यों होती है मैं उसका रीजन बताता हूं जैसे मान के चलिए यहां लिखता हूं मैं फाइव माइनस एट तो मेरा आंसर काय में आएगा मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस थ्री तो जो प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है वो माइनस में नहीं होती है आपने देखा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसा लेके अनंत तक जाती है तो जो घटाने के नियम का पालन इसलिए नहीं करती है क्योंकि जो कि जो प्राकृत संख्या होती है ना वो नेगेटिव नहीं होती है इसलिए हम इसको इसमें नहीं रखते हैं फिर आता है गुणन में तो गुणन में क्या होगा दूसरा देखते तीसरा नियम जो है गुणा में क्या हो जाएगा देखते हैं तो तीसरा गुणन गुड़न में क्या हो जाएगा जैसे दो गुणा तीन तो क्या मिलता है छह बिल्कुल प्राकृत संख्या है है ना क्योंकि वो आराम से नियम का पालन कर रही है भाग में भाग में क्या होता है देखिए अगर मैं यही भाग में देखूं अगर यही चीज में भाग में देखूं तो दो बटा तीन तो हमारी जो प्राकृत संख्या होती है वो तो यह होती है वो अंश और हर में भिन्न के रूप में तो होती नहीं है तो इसलिए यहां पर यह हो जाएगा हां ये हो जाएगा हां और यह हो जाएगा नहीं ठीक है ना ऐसे ही अगर हम लोग अपने पूर्ण संख्या की बात करते हैं अगर हम अपने पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या भी इसी की तरह योग का पालन करेंगी व्यवकलन का पालन व्यवकलन का पालन जो है वो यहां पर आ, जो क्या करेंगी जैसे पूर्ण संख्या है तो भाई व्यवकलन का पालन ये करेंगे कि नहीं करेंगी तो यहां पर व्यवकलन के पालन के लिए गुणन के पालन के लिए हां, और भाग के के नियम के लिए भी नहीं तो क्यों पूर्ण के जो हमारी जो पूर्ण संख्या है जो पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी वो हम देखते हैं सबसे पहले पूर्ण संख्या जो है होती है हमारी क्या होती है पूर्ण संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या है ना एक होती है हमारी जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे लेके अनंत तक जाती है ठीक है यह अनंत तक चली गई अब उसके बाद क्या करेंगे जैसे मान के चलिए टू प्लस वन अगर मैं इसको योग के लिए करता हूं तो योग के लिए क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री तो भाई क्या आ जाएगा आंसर भी एक पूर्ण हाँ उसके बाद व्यवकलन के लिए अगर बात करता हूं तो सेम प्रोसेस व्यवकलन के लिए भी होती है अगर मैं यहां पर माइनस कर दू तो आंसर मुझे क्या मिलेगा माइनस वन मिलेगा काय में दूसरे में व्यवकलन में काय में व्यवकलन में व्यवकलन ठीक है आंसर भी मुझे क्या मिलेगा व्यवकलन में मिलेगा तो जो नंबर होते हैं जो पूर्ण संख्या हमारी होती है जो होल नंबर होते हैं वो काय में होते हैं भाई होल नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे काय में पूरे अ, प्लस में है ना जीरो से लेकर अनंत तक पूरे प्लस में होते हैं नेगेटिव तो होते नहीं है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस के लिए ये नहीं होंगी हाँ अगर गुणा के लिए बात करें अगर मैं इसके लिए गुणा करूं इसके लिए गुणा करूं तो दो एकम दो हो जाता है कई के लिए अगर इन्हीं नंबरों को मैं गुणा करूं तीसरे पे गुणा करते हैं भाई तो गुणा करते हैं तो गुणा करने पे दो एकम दो अगर इसका भी गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो भाई जीरो भी एक क्या होती है पूर्ण संख्या में आती है तो भाई ये भी क्या हो जाएगा हा हो जाएगा लेकिन वही बात अगर ये भाग में होती है ना अगर यही चीज अगर मैं भाग में लेता तो भाग में क्या हो जाएगा चलिए भाग में भी देख लेते हैं भाग में अगर मैं लेता हूं ठीक है चौथा अगर मैं लेता हूं भाग में तो भाग में क्या हो जाएगा भाग में जैसे पांच बटा दो पांच को अगर में दो से भाग देता हूं पांच को अगर मैं दो से भाग देता हूं तो आंसर क्या आएगा क्योंकि भाई, भाई हमारी जो पूर्ण संख्या है वो तो एक सीधे से नंबर में है ना वो भिन्न के रूप में तो होती नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा देखो आपको आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई आ, यहां पे हम लोग ऐसा नंबर भी ले सकते हैं जैसे मैंने चार बटा दो ले लिया तो दो दुनी चार आ गया तो ये केवल इसी नंबर से काउंट नहीं होता है हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी भी लेकर चलते हैं। कि भाई ये भी तो हो सकता है इसलिए इसको नहीं इस, इसलिए क्या होता है कि वो सभी चीजों सभी पैमानों पे बिल्कुल ठीक बैठे इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं आई बात समझ में इसलिए पांच बटा दो है तो भाई इस रूप में भी तो हो सकता है तो भाई वो पूर्ण संख्या कैसे होगा है ना आपने बोला कि सर ये ऐसे तो हो सकता है अगर मैं ऐसी परिमेय संख्या ले लूं क्योंकि वो चार से दो कट जाएगा तब भी तो यह प्राकृतिक नहीं ऐसा नहीं क्यों yeah. क्योंकि हमारे पास कब कभी नंबर ऐसे ही थोड़ी ना आएगा कि वो हमेशा कट जाएगा भाई ऐसा भी तो आ सकता है हमारे पास नंबर इसलिए हम लोग उसके अंदर इसको काउंट नहीं करते हैं आई बात समझ में ठीक है तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या के रूप अब आता है पूर्णांक क्या आता है तीसरे नंबर पे मैंने लिया पूर्णांक अब पूर्णांक क्या होता है पूर्णांक को समझते हैं पूर्णांक जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे इंटीजर्स जो होते हैं माइनस में भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वन टू थ्री फोर मतलब जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं अब जो पूर्णांक हमारे जो होते हैं तो भाई पूर्णांक है तो योग के नियम का पालन करेंगे व्यवकलन का पालन क्यों करेंगे मतलब घटाने का अगर घटाने के नियम की मैं बात करूं अगर मैं घटाने की बात करूं अगर मैं आ, थ्री में से टू को घटाऊंगा तो माइनस अगर मैं टू में से माइनस थ्री को घटाऊंगा तो माइनस वन आएगा तो ये माइनस वन जो है वो पूर्णांक में आएगा क्योंकि क्या है इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं उसके बाद गुणन के नियम का भी पालन करते हैं हा भाई करते हैं भाग के नियम का पालन नहीं करते क्यों क्योंकि भाई भाग के नियम में क्योंकि पूर्णांग जो होते हैं ना वो भी भिन्न के, के रूप में नहीं होते हैं पूर्णांग होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं बस ठीक है इंटीजर जिसको हम कहते हैं तो ये नहीं होगा आप लोग करके देख सकते हैं अब आती है परिमय संख्या की बारी तो परिमय संख्या जो होती है वो योग में भी होती है व्यवकलन में भी होती है गुणा में भी होती है और भाग में जो अगर बात करें तो भाग की बात करें तो भाग में नहीं होती क्यों नहीं होती है उसका रीजन बताता हूं देखो परिमेय संख्या के बारे में बताता हूं परिमेय संख्या क्या होती है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं परिमेय संख्या जो होती है जो p अपॉन q के फॉर्म में होती है सबसे पहले जैसे मान के चलिए पांच बटा दो और एक बटा दो करूंगा तो कितना हो जाएगा यहां पर दो ऐसा कैसा आ जाएगा पांच प्लस एक तो छटा दो ठीक है तो यह परिमेय संख्या ही आया पहला मैंने बताया तो देखिए इसके लिए तो ये हो गया वो कट भी जाएगा दो एकम दो छह है ना दो एकम दो दो तिया छह तीन के नीचे एक लगा दो परिमेय संख्या हो गई व्यवकलन के लिए भी क्योंकि जैसा मैंने बोला कि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है तो अगर माइनस भी करता तो भी हो जाता है ना तो वो घटाने के नियम के लिए भी जरूरत नहीं है बताने के लिए दूसरा तीसरा मैं बताऊं गुणा में तो गुणा में क्या होता है गुणा में क्या होता है गुणा में पांच बटा दो गुणा एक बटा दो तो पांच बटा चार आ गया भाई गुणा के लिए भी है अगर मैं भाग की बात करता हूं तो भाग में यह नहीं बोला है तो भाग में क्यों बोला है नहीं देखिए फॉर एग्जाम्पल भाग में बोलते हैं पी अपॉन क्यू बट क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है चांस अगर यहां पर मैं पांच बटा जीरो ले लू क्योंकि जीरो भी एक परिमेय संख्या ही है ध्यान रखना जीरो भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि मैं जीरो के नीचे वन लगा सकता हूं जीरो के नीचे वन लगा सकता हूं बट मैं किसी संख्या के नीचे जीरो नहीं लगा सकता क्योंकि उसका मान फिर अनंत पे चला जाएगा आया समझ में उसका मान अनंत पे चला जाएगा इसलिए ये भाग की संक्रिया के लिए नहीं है समृत आया समझ में तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं जो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है उसी को ही नहीं लेते हैं तो यहां पर जो समृत नियम है हमने देखा कि यहां पर जो समृत नियम है वो परिमय संख्या में योग के लिए भी है व्यवकलन के लिए भी है गुणन के लिए भी है पर भाग के लिए नहीं है बट हमको इस पूरी चीजों में क्या देखने को मिला कि संवृत्त नियम में ये सारी संक्रियाएं जो भाग के लिए है वो नहीं है केवल काय के लिए है योग के लिए भी है व्यवकलन में कुछ है कुछ नहीं है और गुणा में तो सारी ही है, है ना तो यहां हमने समरत नियम एक शॉर्ट तौर पे हमने एक नियम को पूरा किया अब हम बढ़ते हैं आगे आगे होता है हमारा कौन सा आगे आता है जिसको हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम क्या कहते हैं जिसको क्रम विनिमय अब देखिए क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है क्रम विनिमय का मतलब होता है संख्या के क्रम को बदलना क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है संख्या के क्रम को बदलना तो देखिए यहां पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं तो क्रम विमय में मैं सबसे पहले प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक की बात करता हूं परिमय संख्या के लिए मैंने आगे जो है उसको डिफाइन करने के लिए मैंने आगे बताया है और हम चाहें तो इनको भी हम आगे से ही समझ सकते हैं देखिए तो आ, हम फिलिंदा ब्लैंक्स जो है वो अभी थोड़ा सा भर सकते हैं लेकिन अगर हम लोग देखें यहां पर चलिए मैं एक बार बता देता हूं क्रम विनिमय का मतलब ये होता है जैसे मान के चलिए ये है ए प्लस बी अगर मैंने संख्या के क्रम को बदल दिया तो संख्या के क्रम को बदलने पर मेरा आंसर भी वही आना चाहिए वो क्रम विनिमय नियम होता है आया समझ में क्रम का विनिमय क्रम का विनिमय मतलब क्रम का बदलना जैसे मान के चलिए ये है आपका योग है योग के लिए तो मैंने अगर यहां लिखा फाइव प्लस टू और यहां लिखा टू प्लस फाइव तो यह हो गया सेवन और यह भी हो गया सेवन तो मैं मानूंगा कि भाई संख्या क्रम विनिमय के लिए योग के नियम का पालन करती है या संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो कि संख्या क्रम विनिमय है या संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है ठीक है तो इसलिए इन लोगों ने हा लगा दिया अब आता है आ, यहां पर यहां की बात कर रहा हूं है ना इसकी बात कर रहा हूं अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे काय की व्यवकलन के लिए अब व्यवकलन में अगर मान के चलिए यहां पर मैंने सेकंड वाले में व्यवकलन के लिए व्यवकलन व्यवकलन के लिए अगर मैंने यहां पर ए माइनस बी किया और यहां पे बी माइनस ए किया तो संख्या के क्रम बदलने पर क्या चेंजेस होते हैं जैसे मान के चलिए फाइव माइनस टू है और ये टू माइनस फाइव है तो फाइव माइनस टू करेंगे तो थ्री आ जाएगा बट यहां पे माइनस थ्री आ जाएगा तो आपने देखा दोनों में डिफरेंस आ गया तो क्रम विनिमय के लिए जो है घटाने की संक्रिया वो नहीं है व्यवकलन के लिए नहीं है गुणा के लिए करके देखते हैं तीसरा मैं बार बार यहां लगा रहा हूं यहां लगेगा ठीक है गुणा के लिए गुणा के लिए हम बात करते हैं तो गुणा के लिए हो जाएगा ए गुणा बी बी गुणा ए ये काई के लिए है ये गुणा के लिए अब गुणा के लिए बात करते हैं तो क्या होगा यहां हो जाएगा इसे पांच गुणा दो और दो गुणा पांच तो दस बराबर दस तो भाई इसके लिए भी ये ठीक है थीके? भाग के लिए है कि नहीं है तो देखो भाग के लिए हम लोग कर करके देखते हैं तो भाग के लिए में क्या हो जाएगा चलो भाग चौथा जो है वो हमारा भाग है तो भाग के लिए जैसे मैं पांच बटा दो करता हूं तो यहां पे दो बटा पांच हो जाएगा भाग के लिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मतलब ऐसे ही हो जाएगी ना संक्रिया पांच भागित दो और दो भागित पांच तो दोनों में डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया इसलिए यह इसमें नहीं करती हैं अगर मैं इसकी बात करूं पूर्ण संख्या के लिए तो पूर्ण संख्या मतलब हमारा होल नंबर तो ये इसके लिए हां है इसके लिए तो नहीं है इसके लिए हां है और इसके लिए नहीं है सेम प्रोसेस इसके अंदर करेंगे हम लोग काय में पूर्ण संख्या के लिए पूर्णांक में क्या होता है पूर्णांक में हमारा एक बात का ध्यान रखा करो कि जो पूर्णांक होते हैं जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं तो यहां पर बट पूर्णांक में भी क्या होगा पूर्णांक में भी यह चीज हां होगी यह चीज नहीं होगी यह चीज हां होगी और यह चीज भी हां होगी कि नहीं होगी यह चीज भी नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि भाई यह भी क्या है एक तरह से इंटीजर से बट वो काय में होते हैं वो बटे में नहीं होते हैं आई बात समझ में तो हमारी ये तीनों जो चीजें हैं वो हमने भरी अब जैसे परिमेय संख्या की बात कर रहा हूं तो परिमेय संख्या के लिए मैंने एक आगे फॉर्मेट बना के रखा है मैं आपको उसमें समझाता हूं परिमय संख्या में आगे है सहचार नियम सहचार को कहते हैं एसोसिएटिव देखिए हर जितनी भी परिमेय संख्या में हम लोगों ने जैसे परिमेय संख्या संवृत परिमेय संख्या क्रम विनिमय परिमेय संख्या सहचार ये आगे है है ना इसको मैं पूरे अच्छे से डिफाइन करूंगा लेकिन इसके पहले जो पूर्ण है पूर्णांक और प्राकृत संख्या एक बार इसका मैं बता दूं आपको है ना जैसे मान के चलिए आपका जो सहचार है तो सचार्य नियम जो होता है वो इसमें हा इसमें नहीं है ना इसमें हाँ और इसमें नहीं वो क्यों नहीं होता है है ना जैसे मान के चलिए सहचार्य नियम का एक फॉर्मूला कह सकते हैं b प्लस सी और ये होता है a प्लस या इसको ऐसा बना लो ये होता है a प्लस बी प्लस सी या इसको ऐसा भी कर मतलब किसी दो का जोड़ा बनाना रहता है किसी दो का जोड़ा बना लो तो मैंने यहां पर a प्लस बी का जोड़ा बना लिया और सी को बाहर रखा और यहां पे ए को बाहर रख के बी प्लस सी का जोड़ा बना ले मतलब मुझे क्या करना पड़ता है एक का जोड़ा बनाकर एक को बाहर रखना पड़ता है हमारे पास ये अलग अलग तरीके से भी आ सकता है ए को बाहर रखा बी प्लस जी का जोड़ा बनाया तो यहां पर ए और बी को मैं अगर कुछ मान लेता हूं जैसे फाइव प्लस टू प्लस सेवन और यहां पर ले लेता हूं मैं फाइव और ये ले लेता हूं टू प्लस सेवन तो देखता हूं कि अगर दोनों तरफ मेरी वैल्यू जो आती है वो इक्वल आती है तो वो क्या हो जाएगी मेरी साचार्य जो है वो योग के लिए जो ये नियम है वो योग के लिए सचार्य है है ना तो हम लोग करके देखते हैं ये हो जाएगा सात प्लस सात यह हो जाएगा चौदह और ये भी पांच और ये हो जाएगा नौ और नौ और पांच ये भी चौदह तो आपने देखा दोनों का जो टोटल आया वो कितना आया चौदह और चौदह आ गया तो हमने यहां क्या देखा हमने ये देखा कि जब हमारा दोनों तरफ बैलेंस हो गया दोनों तरफ बैलेंस हो गया तो भैया ये, ये है ये नहीं है क्यों नहीं क्योंकि हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए मतलब ये धनात्मक आ जाए ऋणात्मक आ जाए या ये ऋणात्मक आ जाए धनात्मक आ जाए इसलिए ये नहीं है गुड़न के लिए तो ये होगा ही गुड़न में क्या होगा गुड़न के लिए ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी जैसे ए गुणा बी गुणा सी और तो ये हो जाएगा ए गुणा बी गुणा सी अब ये हो जाएगा तो इसमें भी क्या करेंगे इसमें भी जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमारा ये दोनों जो पक्ष हैं वो दोनों बराबर आ जाएंगे तो गुणा के लिए है भाग के लिए नहीं है क्योंकि भाग में क्या हो जाएगा जब नंबर इधर उधर हो जाएंगे तो हमारा भाग भी नहीं होगा तो ये भी हां ये नहीं ये हां और ये नहीं ठीक है ऐसे ही इसके अंदर पूर्णांक जो होते हैं हमारे नेगेटिव तो ये हां है ना ये नहीं ये हां ये नहीं है ना अब उसके बाद क्या हो जाएगा हमारी आती है परिमेय संख्या मतलब ये जो है ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया मेन तो हमें काम इसका है हर मतलब हर टॉपिक में जो नियम है वो सबसे मेन है के परिमेय संख्या के तो इसलिए मैंने परिमेय संख्या को मैं बिल्कुल अलग से आपको आ, यहां पे समझाऊंगा इसलिए मैंने ये जो पूर्ण है पूर्णांक पूर्णांकृत संख्या है मैंने इसलिए इनको एक टेबल में बता दिया और इनका एक छोटा छोटा रूप मैंने आपको ऊपर बता दिया अब आते हैं हमारा मेन परिमेय संख्या पर संख्या जो होती है वो सहचार मतलब क्लोजर वो कैसे होती है कैसे नहीं होती है हम उनकी बात करते हैं मान के चलिए यहां पर मैंने ले लिया फाइव अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू तो ये हो जाएगा क्या टू तो ऐसा क्या जाएगा फाइव प्लस वन तो ये हो जाएगा कितना सिक्स अपॉन टू दो, एकम दो, दो एक दो लगा दो तो ये काय के लिए हो गई योग के लिए हो गई भाई ठीक है दूसरी बात जब हम घटाने के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा पांच बटा दो माइनस एक बटा दो ठीक है तो क्या हो जाएगा दो पांच बटा पांच माइनस एक तो हो जाएगा चार बटा दो दो एक हम दो, दो नहीं चार तो दो बटा एक यह भी उसके लिए तो कर रही है घटाने के लिए भी कर रही है ठीक है मतलब काय के लिए कर रही है योग के लिए कर रही है घटाने के लिए कर रही है उसके बाद जब हम गुणा के लिए करेंगे तो पांच बटा दो गुणा एक बटा दो पांच बटा दो गुणा एक बटा दो तो क्या हो जाएगा पांच बटा चार तो ये, ये भी हो गया भाग के लिए मैंने बताया था कि ये जो भाग है मान के चलो ये पांच ये पांच बटा दो है, है ना तो यहां पर मैंने ए और बी के लिए कोई नंबर लेके रखा है तो आंसर भी एक परिमेय संख्या आता है लेकिन मैंने भाग के लिए यह बताया था कि भाग में ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहां पर q क्यू q की वैल्यू जो होती है वो q का जो मान होता है वो क्या होता है माइनस हो जाता है मतलब माइनस नहीं q का जो मान होता है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो अगर ये जीरो हो जाएगा मतलब पांच जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये इस नियम में यह चीज नहीं फॉलो होगी इसलिए इसको हम लोग नहीं करते हैं तो यह हो गया हमारा समृत के लिए है ना अब आते हैं हम लोग काय के लिए क्रम विनिमय के लिए ठीक है ना क्रम विनिमय समृत हो गया यह क्रम विनिमय है और आगे जो आएगा वो सहचार आएगा अब देखिए योग के लिए क्या करेंगे ये योग है तो योग के लिए क्या करते हैं हम लोग योग के लिए क्या होगा जैसे मान के चलिए कि क्रम का बदलना परिमेय संख्याओं में क्रम का बदलना क्या चीज को शो करता है क्या क्रम को बदलने पे हमें वही चीज मिलती है जो हमने क्रम को बदलने से पहले जो मिल रहा था क्या वो क्रम को बदलने के बाद भी मिलेगा चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं a प्लस बी बी प्लस ए यह परिमय संख्या के लिए कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा पांच बटा दो प्लस तीन बटा दो तीन बटा दो प्लस पांच बटा दो तो ये दो हो गया ठीक है और यहां पे भी तो ये हो गया आठ बटा दो और आठ बटा दो दो चोको आठ दो चोको आठ एक एक लगा दो तो ये हो गया तो क्या हो गया भाई योग के लिए तो हो गई बिल्कुल ठीक है माइनस के लिए करते हैं अगर इसके बीच में मैं है ना सेकंड अगर इसके लिए मैं माइनस लगा दूं बीच में तो क्या हो जाएगा माइनस लगाओ तो माइनस लगाने पे क्या हो जाएगा देखिए बात यह है कि माइनस करने पे जो क्रम को बदलने क्रम के साथ और क्रम को बदलने पे मतलब जैसे क्रम है क्रम के साथ ये है तो हमारा ये आ गया कितना दो बटा दो आ गया ठीक है एक आ गया तो अब मान के चलो यहां पर अगर मैं क्रम को बदलता हूं तो क्या हो जाएगा माइनस दो बटा दो माइनस आ गया तो यहां पे वन आ रहा है और यहां पे माइनस वन आ रहा है तो क्या हो गया यहां क्या हो गया यहां ये दोनों क्या हो रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं तो भाई ये काई के लिए नहीं है व्यवकलन के लिए नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं गुणा के लिए अगर हम करें सेम चीज अगर मैं गुणा के लिए करता हूं तो गुणा में क्या हो जाएगा चलिए गुणा में देख लेते ए गुणा बी बी गुणा ए मतलब पांच बटा दो गुणा एक बटा दो और एक बटा दो गुणा पांच बटा दो तो ये हो जाएगा पांच बटा चार पांच बटा चार भाई गुणा के लिए तो है ठीक है अब हम करते हैं भाग के लिए तो भाग में संक्रिया जो होती है वो क्या हो जाएगी देखिए भाग के लिए हम लोग ऐसा करें तो यहां पे हो जाएगा एक बटा दो है ना मतलब ये हो जाता है एक भागी दो ये यहां पे लिखा हुआ है एक भाग एक भाग बी और बी भाग ए इसको करता हूं तो पांच बटा दो ये क्रॉ क्या बदल जाएगा उल्टा हो जाएगा और यहां पर करता हूं एक बटा दो और ये दो बटा पांच हो जाएगा तो ये हो जाएगा दस बटा दो और ये दो बटा दस देखा आप लोगों ने कि जब मैंने यहां पर इसको सॉल्व किया और जब संख्या के क्रम को बदला तो आपने देखा दोनों में बदलाव आए तो ये भाग के लिए नहीं करती है तो देखिए केवल क्रम में योग और गुणा का होगा बस योग और गुणा का होगा बाकी भाग और व्यवकलन के लिए ये नहीं होगा तो इसलिए मैं कह रहा था कि मैंने परिमय संख्या के लिए क्योंकि हमें मेन फोकस करना है परिमय संख्या पे तो परिमय संख्या के लिए क्या क्या चीजें थी मैंने उसको यहां पर रख के रखा है आगे बढ़ते हैं देखिए अब आया है हमारा आ, जो सहचार्य नियम है तो जो परिमेय संख्या के लिए जो सहचार्य नियम है वो योग के लिए घटाने के लिए मतलब व्यवकलन के लिए गुणन के लिए और भाग के लिए ये आ, किस किस के लिए ये जो परिमेय संख्या है वो सहचार्य है कि नहीं है चलिए उसमें देखते हैं तो हम इसको ऐसे समझते हैं ए के लिए वर्क करेगा वन अपॉइंट टू देन फाइव अपॉइंट टू देन थ्री अपॉइंट टू ये एक मैंने उदाहरण लिया है अब इस उदाहरण को सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं और इसके पास में ही इसमें ले लेता हूं मैं एक ही जगह वन पॉइंट टू प्लस पांच बटा दो प्लस तीन बटा दो अब इसको करते हैं सॉल्व तो हो जाएगा एक बटा दो है ना तो ये हो जाएगा दो और पांच प्लस तीन तो एक बटा दो प्लस ये हो जाएगा आठ बटा दो ठीक है दो एकम दो, दो चो को आठ है ना भाग ये एल ले लेंगे तो चार दूरी आठ तो ये हो जाएगा नो बटा दो ठीक है जब एलसीएम लेना और उसके बाद इनको कैसे प्लस करते हैं कैसे ये माइनस करते हैं ये मैंने जब स्टार्टिंग uh, में, में, तो तो आप में आपको एक बार बता देता हूं क्या किया हमने देखिए हर में दोनों संख्या एक है तो यहां पर ये एक ही आ गया उसके बाद ये ऊपर की संख्या ऐसी की प्लस हुई तो पांच तीन हो गया आठ उसके बाद यहां पर दो से जब आठ को काटा दो एक दो चौ को आठ यहां से दो का डायरेक्ट हम चार से गुणा कर देंगे तो दो चो को आठ तो आठ प्लस एक बटा दो तो नो बटा दो आ गया अब मैं यह देखता हूं कि मेरा ये नो बटा दो है ये क्या इसको करने पे भी आ रहा है तो देखिए सेम वही चीज हर में दो एक ही संख्या है ये आ जाएगा पांच प्लस एक जब हर में संख्या एक ही होती है तो ऊपर को हम ऐसे कैसे जोड़ देते हैं और ये हो जाएगा तीन बटा दो ठीक है अब उसके बाद ये कितना आ जाएगा छह बटा दो पांच और एक छे प्लस तीन बटा दो अब क्या करेंगे यहां पे आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर दीजिए कैसे दो एक दो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा तीन कितना डायरेक्ट आप गुणा करो देखो पांच ये हो जाएगा पांच और एक छो मैंने दो एकम दो, दो छे गया। अब बचा क्या तीन प्लस तीन बटा दो, दो छोटे है ना प्लस तीन बटा दो ये दो का गुणा मैंने तीन में किया और छ प्लस तीन बटा दो तो छो तीन नो बटा दो तो आपने देखा ये भी नो बटा दो आया और ये भी नो बटा दो आ गया तो ये जो है हमारी जो सहचारिता है वो योग के लिए जो है जो परिमय संख्या है वह योग में सहचार स्वैचार्य होती है या सहचार नियम का पालन करती है तो ये हो गया अब आगे करते हैं ये चीज ये घटाने के लिए करती है कि नहीं करती है तो चलिए देखते हैं तो घटाने की संक्रिया के लिए क्या होगा घटाने की संक्रिया के लिए यहां पर मैं वैसे ही ले लेता हूं एक बटा दो माइनस पांच बटा दो माइनस तीन बटा दो ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे या इसके पास में एक और लिख लेंगे ठीक है क्या क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे एक बटा दो माइनस पांच बटा दो माइनस तीन बटा दो चलिए स्टार्ट करते हैं यह है एक बटा दो हर में हमारी जो संख्या है वो क्या है एक ही है तो दो पांच माइनस तीन और यहां पर चल रहा है तो हर में भी हमारी संख्या ऐसी है और माइनस पांच ये मैं बता ही चुका हूं बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हर में संख्या एक होती है तो फिर क्या करते हैं वो एक ही हम लिख देते हैं और ऊपर की संख्या अगर माइनस होती तो माइनस कर देते हैं प्लस है तो प्लस कर देते हैं एक बटा दो माइनस पांच में से तीन जाएगा तो दो बटा दो ठीक है और यहां पर पांच में से एक को घटाएंगे मतलब बड़ी संख्या पांच है तो माइनस का चार बटा दो माइनस तीन बटा दो अब ये देखिए ये तो हो गया तो कितना एक, एक बटा दो माइनस वन और यहां पर कितना आ गया दो दुनी, चार तो माइनस का दो तीन बटा दो है ना अब क्या होगा इसको मैं आगे कर देता हूं तो ये आगे होकर ये आ जाएगा वन माइनस टू बटा देखिए एक दो का गुणा यहां कर दिया तो कितना हो जाएगा एक माइनस दो बटा दो और ये हो जाएगा माइनस चार दो का गुणा यहां होगा तो माइनस चार माइनस तीन बटा दो तो ये हो जाएगा माइनस एक बटा दो दो में से एक गया एक बचा और यह हो जाएगा माइनस सात बटा दो है ना क्योंकि चारों तीन सात होता है दोनों माइनस की संख्या है दोनों माइनस की संख्या है तो क्या हो गया यहां पर दोनों प्लस तो हो गए लेकिन जो बड़ी संख्या चार है उसके साथ माइनस का आ गया देखिए किया क्या फिर से समझा देता हूं यहां पर तो हमारा सॉल्व करके ये ए, दो से दो हमारा कैंसिल पांच में से तीन जाएगा तो दो बचेगा दो में से दो कैंसिल होकर एक बचेगा तो एक यहां आ जाएगा दो का गुणा यहां करेंगे तो एक माइनस दो बटा दो सेम मैंने यहां किया दो एलसीएम में था दो आ गया एक माइनस पांच माइनस तीन बटा दो जब पांच में से एक को घटाया तो माइनस का चार बटा दो आया जब दो से दो को घटाया तो माइनस का दो माइनस तीन बटा दो आ गया तो दो धुनी चार माइनस चार माइनस तीन बटा दो तो माइनस सात बटा दो देखो आपने देखा कि यहां पर दोनों जो है वो बराबर नहीं हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि ये जो है घटाने में परिमेय संख्या घटाने में स्वचारता नहीं है मतलब सहचार नहीं है बहुत मतलब आप इसको अगर नहीं भी करेंगे तो आप लोग इसको बता सकते हैं वो तो मैंने इसलिए बताया ये जनरली करके नहीं बताते हैं ये जो है एक एग्जाम्पल मैंने बताया कि ये क्यों नहीं होती क्योंकि इसमें ये दोनों पक्ष क्या होते हैं बराबर नहीं होते इसलिए नहीं होती है है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं गुणा में गुणा में क्या होता है गुणा में हम ऐसे देखें जैसे एक बटा दो गुणा पांच बटा दो गुणा एक बटा तीन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक बटा दो ये हो जाएगा कितना पांच एगम पांच दो तिया तो ये हो जाएगा पांच छह दूनी बारह ठीक है क्या करा यहां पे पांच एक पांच दो तीन इसका पांच एक पांच छह बारह अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये कितना हो जाएगा एक बटा दो गुणा पांच बटा दो गुणा एक बटा तीन तो ये क्या आ जाएगा पांच बटा चार गुणा एक बटा तीन तो हो जाएगा पांच बटा बारह तो देखो दोनों चीजें हो गई तो यह गुणा के लिए क्या हो गया यह हो गई कि भाई परिमय संख्या है वो गुणा की संक्रिया के लिए सहचारे हैं ठीक है यह तो बहुत था ऐसे अगर हम लोग आगे की संक्रिया देखते हैं क्या हो जाएगा आगे हम बना सकते हैं वैसे इसको करके केवल हम लोग इसलिए दिखा रहा हूं क्यों नहीं होती है तो उसका कारण यही होता है कि भाई जो पक्ष होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है इसलिए ये नहीं होती हैं ठीक है ठीके? तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं यह उसका एक फॉर्मूला हो गया अब हम इसको जैसे ये एक बटा दो लिखा है भाग में हम इसको लिख लेते हैं पांच बटा दो भाग एक बटा तीन है ना तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर वॉली इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बटा दो लिख के रखा है भाग के लिए हम लोग सॉल्व ये करते हैं कि ये पांच बटा दो है तो ये जो भाग है इसका साइन गुणा में चेंज हो जाएगा और ये वाली संख्या का क्या हो जाएगा इसको हम लोग कर देंगे उल्टा प्रतिलोम जिसको हम कहते हैं ठीक है तो एक बटा दो भाग पांच पंद्रह और ये दो ठीक है अब फिर से क्या होगा जब ये भाग का निशान हटेगा तो यहां पे गुणा का हो जाएगा और ये हो जाएगा दो बटा पंद्रह एक दो से दो कट गया यह आ गया एक बटा पंद्रह अब मैं इसको सॉल्व करता हूं क्या मेरा एक बटा पंद्रह आता है तो चलिए करते हैं ए, ये हो गया पांच बटा इसकी जगह हो जाएगा एक बटा दो पांच बटा दो और अब एक बटा तीन हो जाएगा बाहर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा एक बटा दो गुणा दो बटा पांच भाग एक बटा तीन ठीक है अब देखिए यहां पर क्या हो गया दो से दो हो गया कैंसिल यहां बटा एक बटा पांच और ये एक बटा तीन अब इसका क्या हो जाएगा फिर से चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक बटा पांच गुणा तीन बटा एक तो क्या हो जाएगा तीन बटा पांच दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं हुए दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए देखिए क्या हुआ एक बटा दो था इसका मैंने आ, क्या कर दिया उल्टा कर दिया तो, तो ये दो सौ दो कैंसिल हो गए एक बटा पांच आ गया ये एक बटा तीन था जब एक बटा तीन यह भाग का निशान है फिर ये गुणा का निशान क्यों हुआ क्योंकि फिर से इसका मैंने चेंज कर दिया तीन बटा एक हो गया तो ये जब सामने सामने गुणा किया तो यह तीन बटा हो गया तो मैंने ये देखा कि ये पक्ष यह पक्ष और इस पक्ष बराबर नहीं है तो यह भी क्या है परिमेय संख्या भाग की संक्रिया के लिए क्या नहीं है सैचार्य नहीं है तो देखिए हमने क्या सीखा जो परिमेय संख्या है वो योग के लिए मतलब जो स्वचार्य नियम में योग के लिए है ठीक है योग के लिए योग है व्यवकलन है गुणा है और भाग है तो देखिए योग के लिए है व्यवकालन के लिए नहीं है गुणा के लिए है पर भाग के लिए नहीं है तो अगर आपके सामने फिलिंदा ब्लैंक्स में भी आए या आपके सामने ये आ, का सही गलत में या खाली स्थान में भी आए तो हमको केवल ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्या है वो किस कंडीशन में किस चीज का पालन करती है और किस चीज का नहीं करती है ठीक है आगे का जो नियम है हमारा वो है वितर्कता वितर्कता का मतलब क्या होता है जैसे मान के चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए हमें, हमें एक 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 हमें फॉर्मुला दिया है इसका इसको मुझे क्या करना है एक डिस्ट्रीब्यूटिव करना distributive, अगर इंग्लिश में हम इसको समझे तो डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बांटना जैसे मान के चलिए ए ब्रैकेट में है बी प्लस सी तो मैंने ए को बी के साथ बांटा और बी को सी के साथ बांटा तो ये आपको दिख रहा है और ऐसे ही माइनस में मैंने ए को बी के साथ बांटा और ए को सी के साथ बांटा मतलब बांटना डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है एक्स और यहां लिखा हुआ है ए माइनस बी ए माइनस बी का तो चलिए उदाहरण यहां पर दिया हुआ है मैं यहां पे दूसरा लेता हूं थ्री एक्स माइनस फाइव या एक्स प्लस फाइव लेता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है इस थ्री का एक्स के साथ भी होगा और इस थ्री का फाइव के साथ भी होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई आया समझ में ये पहला प्लस के लिए है और सेम अगर रूल हम माइनस के साथ करें ये वाले के साथ तो मैं माइनस को भी ऐसे ही समझता हूं तो थ्री एक्स माइनस फाइव तो ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन तो ये हमारी प्लस के लिए और ये माइनस के लिए ठीक है ठीक है और इंग्लिश में बोलते हैं मतलब है A, A और, और यहां पर माइनस के लिए किया तो यहां पर हमने जब माइनस के लिए किया तो बीच में माइनस का ध्यान रखा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये तो बहुत ईजी थी आगे आता है हमारा क्या योज्य तत्समक जिसको हम कहते हैं एडेक्टिव आइडेंटिटी ठीक है आ, अब ये क्या होता है इसको हम लोग कहते हैं एक तरह से शून्य का नियम भी कहते हैं हम लोग यहां पर परिमेय संख्या के लिए शून्य योज्य तत्समक है ठीक है क्या हो जाएगा अगर शून्य को मैं किसी के साथ भी जोड़ू तो हमारा आंसर वही होता है जिसके साथ शून्य को जोड़ा जाता है जैसे ए के साथ मैंने शून्य को जोड़ा तो ए ही आया फाइव के साथ मैंने शून्य को जोड़ा तो फाइव ही आया ऐसी कोई सी भी संख्या हो जिसको अगर मैं शून्य के साथ जोड़ता हूं तो आंसर हमारा क्या आता है वही आता है ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो या ऐसा ले सकते हो एक्स प्लस जीरो तो क्या आएगा जीरो ही आएगा तो ये केवल हमको अपनी चीजों का ध्यान रखना है परिमेय संख्या के लिए शून्य क्या है योज्य तत्समक है ठीक है ये भी बहुत इजी है और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो आप कि भाई ये हम जानते भी कि शून्य के साथ किसी भी संख्या को जोड़ते हैं जोड़ते हैं तो क्या आता है वो संख्या ही आती है याद रखना गुड़ा में मत कर देना ये चीज आप लोग जानते हैं गुड़ा में क्या होता है ठीक है आगे क्या है आगे है परिमेय संख्याओं के गुणात्मक तत्समक जिसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है जैसे मान के चलिए अगर एक काम किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलती है वो संख्या ही मिलती है फॉर एग्जाम्पल एक का मैंने वन के साथ गुणा किया एक मिला पांच का मैंने एक के साथ गुणा किया पांच मिला छह का मैंने एक के साथ गुणा किया छ मिला वैसे ही जब x का एक के साथ गुणा करूंगा x का एक के साथ गुणा करूंगा तो x ही मिलेगा a का एक के साथ गुणा करूंगा तो a ही मिलेगा ये. तो ये है हमारा परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितने भी नियम है या हमारे सारे नियम हमारे रिवीजन चैप्टर में पूरे खत्म होते हैं अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और उन पे फोकस करते हैं ठीक है तो अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है और अरेंज करके हमें क्या करना है कि जो इसके अंदर गुड़धर्म यूज हो रहा है वो भी हम लोग यहां पे बताएंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा है दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच प्लस पांच बटा दो तीन बटा पांच गुणा एक बटा छे है ना आप क्या करेंगे देखिए यहां पर एक तीन बटा पांच और तीन बटा पांच वाला यहां पर जो आपको सात पे जो संख्या दिख रही है उसको हम सात पे ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा माइनस दो गुणा तीन दो बटा तीन गुणा तीन बटा पांच माइनस तीन बटा पांच गुणा एक बटा छ और बच क्या रहा है पांच बटा दो है ना यहां पर हमने क्रम में सहचार नियम का यूज किया अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर बटा तीन है ना माइनस एक बटा छे और उसके बाद प्लस पांच बटा दो यहां पर बचा ठीक है अब क्या करेंगे अब यहां पर हम लोग अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो तीन बटा पांच देखिए अंदर एल्सियम लेते हैं एल्सियम लेंगे तो तीन और छह में से क्या बला है 6, तो छह को हम लोग लिख लेंगे नीचे छ का गुणा तीन में करते हैं तो कितना आ दो है? है ना वो 6 का हम भाग में करें छे का हम भाग करेंगे तीन में क्या होता है इस संख्या का इसमें करते हैं भाग जो भी आंसर आता है उसका करते हैं ऊपर गुणा तो छे का हम तीन में भाग करेंगे तो आएगा कितना तीन का छे में भाग करेंगे तो दो आएगा और दो दुनी चार ठीक है और उसके बाद जब 6 का भाग 6 में देंगे तो एक आएगा और एक का गुणा एक में करेंगे तो यहां पर हमें एक ही मिल जाएगा प्लस यहां पर आ जाएगा पांच बटा दो अब आगे का जो है क्वेश्चन उसमें क्या करना है बस हमें सॉल्व करना है तो ये तीन बटा पांच है ना यहां हो जाएगा माइनस का माइनस का पांच बटा छ प्लस पांच बटा दो ठीक है दिख रहा है आपको यहां पर क्या हो रहा है कैसे किया ठीक है अब उसके बाद क्या होगा आगे की चीज यहां पर हम लोग तीन बटा पांच है और इसके गुणा में माइनस का पांच बटा छ है प्लस पांच बटा दो है अब देखिए इसको कैंसिल करिए पांच से पांच हो गया और तीन एकम तीन तीन दुनी छ तो माइनस का एक बटा दो प्लस पांच बटा दो यह आ गया अब उसके बाद क्या करेंगे वही चीज हमारी जो हर में संख्या है वो एक ही है तो उसको हम ऐसा लिख लेंगे और ये हो जाएगा माइनस एक प्लस पांच तो पांच में से एक घटाएंगे तो आएगा चार तो चार बटा दो दो एक कम दो दो चार तो ये, इस पूरे का आंसर कितना आ गया हमारा दो तो हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से मतलब हमने इसको एक अच्छे से व्यवस्थित करके सहचार क्रम विनिमय नियम का यूज करके हमने इसको सॉल्व करके हमारा आंसर दो लिया है इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिएगा आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं चलिए देखिए यहां पर दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है सबसे पहले हम जानते हैं कि योज प्रतिलोम क्या होता है योज प्रतिलोम तो योज्य प्रतिलोम के लिए अगर हम लोग बात करें तो योज्य प्रतिलोम का मतलब यह होता है कि जैसे मान के चलिए यह एक रोज योज्य प्रतिलोम है तो मुझे यहां पर एक ऐसी संख्या लाना है जो उसके मान को क्या कर दे जीरो कर दे मतलब अगर ए है तो माइनस ए लाऊंगा या माइनस ए है तो प्लस ए लाऊंगा मुझे आंसर जीरो लाना है तो अगर यहां पर कोई संख्या लिखी हुई है पांच और मुझे इसका योज्य प्रतिलोम चाहिए तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस पांच कोई भी संख्या प्लस है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस में और अगर कोई संख्या माइनस है तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस में बस यह चीज ध्यान में रखिए अब इसी के जरिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है दो बटा आठ का योज प्रतिलोम योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस दो बटा आठ कैसे देखो दो बटा आठ है जो प्रतिलोम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा दो बटा आठ माइनस दो बटा आठ कैंसिल होकर क्या मिलेगा मुझे जीरो तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या है माइनस दो बटा आठ हमें एक बार अब केवल रीजन रीजन तो नहीं देना हमें केवल क्या बताना है हमें उसके योज्य प्रतिलोम को बताना है दूसरा माइनस छे माइनस पांच देखो माइनस छ माइनस पांच जो है वो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल तो ये प्लस में ही आ जाएगी का योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस का छ बटा पांच इसका योज्य प्रतिलोम और उसके बाद जो तीसरा दिया हुआ है ये उन्नीस बटा माइनस छ लिखा हुआ है तो 19 बटा माइनस छ का मतलब देखो हर में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं होता है तो सबसे पहले हम इसको ऐसा लिखते हैं कि माइनस उन्नीस बटा 6 हम इसको ऐसे लिखेंगे का योज्य प्रतिलोम का योज प्रतिलोम माइनस में है तो ये हो जाएगा 19 बटा 6 में तो देखा आप लोगों ने योज्य प्रतिलोम का मतलब ऐसी संख्या जो उसके पूरा उल्टी हो प्लस है तो माइनस में लेना है है तो प्लस में लेना है बस समझा आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी ऐसे ही कर सकते हैं है अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए तो रफ में फटाफट उतार लीजिए हम आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है कि x 11 अपॉन पंद्रह मतलब 11 बटा पंद्रह के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस एक्स बराबर एक्स ये है तो देखो यहां पर x की वैल्यू मुझे दी हुई है और x की जगह पर मुझे यहां पर वैल्यू रखना है और देखते हैं कि ये सत्यापित होता है कि नहीं होता है तो चलिए यहां पर दिया है सबसे पहले माइनस एक्स बराबर एक्स ठीक है माइनस एक्स बराबर x. तो ये सत्यापित होता है कि नहीं होता चलिए भाई रख के देखते हैं तो माइनस लगा हुआ है माइनस मैंने भी लगा दिया यहां माइनस लगा है मैंने भी लगा दिया एक्स का मान क्या था ग्यारह बटा पंद्रह मैंने भी रख दिया और यह ग्यारह बटा पंद्रह था ही। है ना? तो अब क्या हो जाएगा माइनस माइनस दोनों माइनस से माइनस का गुणा होगा हम जानते हैं कि माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस होता है ना तो यहां हो जाएगा ग्यारह बटा पंद्रह बटा ग्यारह बटा पंद्रह ये हो गया सत्यापित ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है इसलिए मैंने इनको रिवीजन में भी शामिल किया है क्योंकि ये एक दो 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 नंबर के जो क्वेश्चन है ना ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं या हमसे फिलिंदा ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं सही गलत में भी पूछे जा सकते हैं एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं इसलिए इनको मैंने रिविजन में शामिल किया है आगे बढ़ते हैं आगे भी कुछ इस तरह का दिया है अब देखिए यहां पर x दिया है माइनस थर्टीन अपॉइंट सेवन और यहां पर सत्यापित करना है यहां पर मुझे x की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दी हुई है ना यहां ध्यान रखना x की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी माइनस में दी हुई है तो चलिए इसको रखते हैं यहां पर रखने के लिए सबसे पहले इस नियम का पालन करूंगा तो क्या है माइनस एक्स बराबर एक्स तो माइनस एक्स बराबर एक्स अब देखिए यहां पर माइनस लगाए मैंने भी लगा दिया यहां पर माइनस है मैंने भी लगा दिया लेकिन एक्स की वैल्यू एक्स की संख्या मेरी माइनस में ही है तो माइनस का इसलिए मैंने यहां पर क्या ले लिया बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट का मैंने यूज किया क्यों क्योंकि यहां पर मेरी एक्स की संख्या अपने आप पहले से ही माइनस में दी थी तो ये माइनस में एक्स की जगह पर माइनस की वो संख्या आई ये मुझे माइनस दिया ही हुआ था ये भी माइनस मुझे दिया ही हुआ था अब क्या होगा जब मैं इन कोष्टक को खोलूंगा मतलब जब मैं इन ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा

आगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम जैसे मान के चलिए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा ताकि ये कैंसिल होके ये कैंसिल होके मुझे क्या मिल जाए वन मिल जाए ये ऐसा गुणात्मक प्रतिलोम होता है मतलब एक का गुणात्मक प्रतिलोम वन अपॉन ए मतलब उसी का ही अपॉन में लिख देना मतलब कोई भी संख्या हो जैसे मान के चलिए पांच है तो पांच का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा एक बटा पांच है ना है, ताकि ये पांच से पांच कैंसिल हो जाए तो ये गुणात्मक प्रतिलोम का क्या होता है एक नियम होता है हम इस नियम के साथ चलेंगे तो इस नियम के साथ साथ चलते हुए हमको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है माइनस प्लस का विशेष करके ध्यान रखेगा मैं जैसे ऐसा कराते जाऊं स्टेप फॉलो करना कि मैंने कैसे किया है चलिए तो यह तो समझ में आ गया ना कि क्या होता है तो हम इसी को ही फॉलो करते हैं यहां पे लिख लेते हैं कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटा ए तो यह कैंसिल होके वन आ जाएगा ठीक है तो हम इसी स्टेप का फॉलो करेंगे तो माइनस तेरह का पहला माइनस तेरह का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम माइनस तेरह का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस एक बटा तेरह ठीक है दूसरा माइनस तेरह बटा उन्नीस का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस उन्नीस बटा तेरा ठीक है सिर्फ मुझे सं, संख्या का क्या बदलना है केवल उसके हर और अंश को बदलना मतलब उल्टा कर देना है बस ऐसे ही तीसरा एक बटा पांच का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा पांच या पांच बटा एक कर दो ठीक है ऐसे ही चौथा चौथे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यह दिया हुआ है माइनस का पांच बटा आठ गुणा माइनस का तीन बटा सात तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। तो यह पांच किया हो जाएगा पंद्रह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आठू सातु हो जाएगा छप्पन ठीक है ठीक है पांच थिया पंद्रह और आठू साठू छप्पन अब इसका निकालो गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा छप्पन बटा पंद्रह ठीक है अब एक ले गया है लास्ट वो दो और रह गए है ना तो अब दो के लिए क्या करेंगे दो के लिए हम लोग यहां लिख देते हैं है ना जैसे ये दिया हुआ है पांचवा माइनस अब सबसे पहले ऐसा गुणा कर लो तो ये दिया है माइनस गुणा माइनस दो बटा पांच माइनस एक गुणा माइनस दो बटा पांच तो अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो बचेगा क्या दो गुणा पांच क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा पांच बटा दो सिक्स है माइनस वन का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा वन होगा ठीक है तो इस तरह से देखा आप लोगों ने हमारे पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने करे और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कैसे होता है यह भी हमने किया तो चलिए हम अपने आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन है छे बटा तेरह को जब माइनस को माइनस सात बटा सोलह के वितक्रम से गुणा कीजिए मतलब छह बटा तेरा को सात बटा सोलह के वितक्रम तो सात बटा सोलह का वितक्रम क्या होगा माइनस सोलह बटा सात मतलब हम लोग ऐसा लिखेंगे माइनस सात बटा सोलह का वितक्रम वितक्रम का मतलब होता है उल्टा हो जाएगा माइनस सोलह बटा सात ठीक है तो इसका वितक्रम हुआ तो कितना होता है सोलह छियानवे और तेरह सत्तेनवे हो जाएगा इसका आंसर बहुत इजी था क्या बोला था हम हमें हमें यह बोला था कि छह बटा तेरह को माइनस सात बटा सोलह के वितक्रम से गुणा कीजिए तो देखिए छह बटा तेरह को माइनस सात बटा सोलह का वितक्रम क्या हो जाएगा सोलह बटा सात तो सोलह चक्का छियानवे तेरा सत्ते इक्यानवे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजी था ये दो मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बनेगा आपका क्योंकि इसमें नंबर कटिंग कहां हो सकती है आपने अगर वितक्रम किए बिना अगर आप लोगों ने इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हो सकता है कि आपका यह आंसर गलत हो जाए अगर आप वितक्रम अगर आपने वितक्रम नहीं किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं माइनस का निशान नहीं लगाया तो मार्क्स कट सकते हैं इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे दिया हुआ है क्या माइनस एक सही एक बटा आठ का गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटा नो है क्यों अथवा क्यों नहीं तो देखिए सबसे पहले मैं जान बताता हूं गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम होता है एक अगर ये है आपका ए है तो उसमें मैं क्या संख्या का गुणा करूं कि मुझे आंसर एक मिल जाए यह गुणात्मक प्रतिलोम होता है ठीक है अब सबसे पहले बात में इसको देखता हूं कि माइनस एक सही एक बटा आठ को पहले में जो मिश्रित भिन्न है उसको मैं पहले एक सही भिन्न में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा आठ एकम आठ मतलब इसके इससे गुणा करते हैं जो आंसर आता है उसका इसमें प्लस कर देते हैं तो आठ एक आठ आठ और एक नो तो कितना हो जाएगा माइनस का नो बटा आठ ये हो गया अब बोला है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम आठ बटा नो है तो हम लोग देखते हैं कि माइनस नो बटा आठ गुणा आठ बटा नो तो भाई क्या हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा माइनस वन आना है, आ रहा है आना क्या चाहिए प्लस वन तो हम क्या कहेंगे कि नहीं क्या कहेंगे हम लोग नहीं क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर क्या आना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर आना चाहिए वन लेकिन हमारा आ रहा है माइनस वन तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या आता है वन आता है लेकिन हमारा आंसर क्या आ रहा है माइनस वन आ रहा है जो कि क्या है सही नहीं है तो क्या कहेंगे कि भाई ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है क्या करा हमने सबसे पहले क्या देखा हमें ये दिया था -1, सही एक बटा आठ बराबर कैसे हुआ माइनस का जब हमने इसमें गुणा किया तो आठ एकम आठ और एक नो तो नो बटा आठ हो गया माइनस का नो बटा आठ हो गया अब नो बटा आठ को इसका वितक्रम दिया था आठ बटा उससे गुणा किया तो ये कैंसिल तो हो गया लेकिन ये माइनस आ गया आना क्या था प्लस वन क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है हमारा ये आया तो हमारा माइनस वन आ रहा है लेकिन आना क्या चाहिए वन प्लस वन तो हम ये कह सकते हैं कि हां भाई ये जो कथन जो है वो क्या है गलत है क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर क्या आना चाहिए वन आना चाहिए क्योंकि हमारा माइनस बन आ रहा है तो इस तरह से हम लोग एक छोटा सा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और इस तरह से अपने क्वेश्चन को हमने खत्म भी किया आगे बढ़ते हैं आगे हमें क्वेश्चन दिया है क्या तीन सही एक बटा तीन का गुणात्मक प्रतिलोम जीरो पॉइंट थ्री है क्यों अथवा क्यों नहीं तो सबसे पहले फिर से मैं बताता हूं कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम होता है कि ऐसी संख्या से गुणा करना के हमें उस गुणा का आंसर क्या मिले वन मिले है ना वो संख्या कुछ भी हो सकती है बट हमें उसकी संख्या ऐसी संख्या से गुणा करना है तो उसका आंसर हमें वन मिले मतलब उसका व्युतक्रम है ना तो हमें क्या दिया था सबसे पहले तीन सही एक बटा तीन तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सही करता हूं तो ये दिया है तीन सही एक बटा तीन तो तीन सही एक बटा तीन को हम कैसे लिखेंगे तीन तिया नो नो और एक दस बटा तीन ठीक है अब दस बटा तीन अब मेरे से बोला है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया हुआ है इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या दिया हुआ है जीरो पॉइंट थ्री अब जीरो पॉइंट थ्री दिया हुआ है अगर मैं इसको सही करूं तो यहां से पॉइंट हटाओ यहां पर जीरो बढ़ा लो तो कितना है दस बटा तीन और यो तीन बटा दस तो ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया मिला क्या वन जी हाँ हम ये कह सकते हैं कि ये कथन सत्य है क्योंकि हमारा आंसर वन मिल रहा है जो कि गुणात्मक प्रतिलोम में भी क्या मिलता है वन मिलता है तो ये हम कह सकते हैं कि हां ये बिल्कुल ठीक है आप चाहे इसको भी आप लोग ऐसा लिख सकते थे ये और इसको भी आप ऐसा लिख सकते थे मतलब आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते थे या आप इसमें इसमें भाग देते थे या इसको भाग नहीं भी देते या इसको ऐसा लिख देते मैंने क्या करा यहां पे पर दस बटा तीन लिख के यहां पे जीरो पॉइंट जो थ्री लिखा था उसको मैंने पॉइंट हटाया नीचे जीरो बढ़ा लिया तो क्या हो गया ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया तो क्या था तीन बटा दस दस बटा तीन का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया तीन बटा दस ताकि यह आपस में कैंसिल हो गया आंसर कितना आ गया बन आ गया है ना और गुणात्मक प्रतिलोम में चाहिए क्या होता है ऐसी संख्या जिससे मैं गुणा करूं तो क्या मिल जाए वन मिल जाए तो ये गुणात्मक प्रतिलोम तो हाँ ये हमारा सही है तो इसी के साथ हम अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए तो सबसे पहले देखिए हमें यहां पे दो संख्याएं दी हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है तो संख्या रेखा ऐसी होती है कि यहां पर एक संख्या रेखा जिसमें बीच में होता है जीरो यहां के जितने भी इधर वाले जितने भी रहते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं और इधर पूरे नेगेटिव ठीक है अब मुझे बोला है कि सात बटा चार को संख्या रेखा पर निरूपित करना देखो अगर मेरे को प्राकृत संख्या हो गई पूर्ण संख्या हो गई या पूर्णांक को ये तो आपके सामने दिए हुए हैं आपको क्या रखना है परिमेय संख्या को आपको रखना है किसके ऊपर संख्या रेखा के ऊपर तो संख्या रेखा पर रखने के लिए मैं आपको सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट बात होती है वो मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा जरूरी होती है पहला संख्या रेखा पर रखने के लिए अगर मैं किसी परिमेय संख्या को रखता हूं तो पहली बात तो वो परिमेय संख्या बिल्कुल मतलब जो भिन्न होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए अब भिन्न सही कैसे होता है भिन्न सही का मतलब यह होता है कि भिन्न में अंश और हर होता है ना तो हर जो होता है ना वो हमेशा अंश से ज्यादा होता है तो ये एक सही भिन्न होता है ध्यान रखना क्या होता है ये ऐसा अगर होगा तो ये क्या होगा इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर मतलब ये है प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर मतलब अगर अंश मेरा बड़ा है तो ये एक सही भिन्न है और अंश अगर ये छोटा है तो ये एक है सही भिन्न मतलब भिन्न तो है पर इसको हम लोग सही नहीं कहेंगे ठीक है अब हमारा ये जो दिया है सात बटा चार है तो ये एक सही भिन्न नहीं है पर ये सही भिन्न है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर जिसमें हर बड़ा होता है है तो हमारी जो परिमेय संख्या होती ना वो जीरो से लेके वन के बीच में ही बैठती है मतलब अगर मैं आपको एक उदाहरण लेकर ये बताऊं कि मैं पांच बटा सात को अगर मैं रख के बताता हूं तो ये हमारा जीरो है और ये हमारा वन है ये परिमेय संख्या जीरो और वन के बीच में ही आएगी अब देखिए पांच बटा सात है तो ध्यान रखना आप लोग हमेशा जीरो कब होती है जब जीरो बटा सात हो ठीक है और वन कब होती है जब सात बटा सात हो अब मुझे क्या रखना है यहां से अगर मैं चलूंगा या इधर से चलूंगा तो दोनों में से मेरा जो भी, इनके बीच में जो भी परिमेय संख्या आएगी जैसे ये जीरो है तो यहां पे कितना आएगा एक बटा सात यहां कितना आएगा दो बटा सात यहां कितना आएगा तीन बटा सात यहां कितना आएगा चार बटा सात यहां कितना आएगा पांच बटा सात और यहां कितना आएगा छ बटा सात अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो आपके बीच में क्या हो जाएगी थोड़ी खिचड़ी जैसी बन जाएगी है ना लेकिन हमारे हम अभी बोर्ड पे कर रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि आ, हमारा जो डिस्टेंस है वो इक्वल ना आए पर जब आप इसको करोगे तो आपका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल आएगा वो कैसे आएगा मैं बताता हूं सबसे पहले क्या करिए आप यहां से परिमेय संख्या निकालने के लिए जब आपके पास फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है वो अगर आपके पास बिल्कुल सही है तो आप क्या करिए एक संख्या रेखा बनाइए ध्यान रखना अगर मैंने क्या बोला अगर आपका फ्रैक्शन मतलब आपका जो भिन्न है वो बिल्कुल सही है तो आपका जीरो से लेकर एक के बीच में ही परिमेय संख्या आएगी ये कंफर्म है ठीक है ये कंफर्म है अब आप क्या करो इसको जीरो से लेकर मतलब सात भागों में आप इसको तोड़ लो कैसे ये हो जाएगा जीरो बटा सात और ये हो जाएगा सात बटा सात है ना अब ये हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छ और ये सात ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ध्यान रखना ये डिस्टेंस आप जब संख्या रेखा बनाओगे तो ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए अब क्या करेंगे अब रखो एक बटा सात दो बटा सात तीन बटा सात चार बटा सात पांच बटा सात बटा सात हमको क्या चाहिए था पांच बटा सात यहां पे मिल गया हमको पांच बटा सात है ना इजी रखना कोई टफ नहीं है बट हमारा जो भिन्न है वो अगर सही होता है तो हमारा रखने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा और बहुत आसानी से मिल जाएगा बट यहां पर बात दूसरी है यहां पर हमें क्या रखना है सात बटा चार अब सात बटा चार को कैसे रखेंगे ये हम देखते हैं सात बटा सात बटा चार अब देखिए सात बटा चार को रखने के लिए हम क्या करते हैं एक छोटा सा यहां पर भाग लगाते हैं कैसे देखिए चार से मैं सात को भाग दूंगा तो चार एकम चार कितना आएगा तीन पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया चार एकम चार चार दुनिया आठ चार तिया बारह चार छको सोलह चार पंजे बीस चार छका चौबीस चार सत्ते अट्ठाईस अब हमें नीचे से कुछ नहीं 1.7 मतलब हमारी संख्या रेखा जो है ना वो एक से थोड़ी सी आगे जाएगी मतलब यहां तो है जीरो यहां वन और यहां टू ठीक है अब एक और दो के बीच में हमको 1.7 मिलेगा अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जीरो कहां मिलेगा चार बटा चार पे जीरो जीरो बटा चार पे है ना और एक यहां पर हमें चार बटा चार कहां मिलेगा कहां मिलेगा हमें मिलेगा जब चार बटा चार हो जाएगा अब आप इससे आगे बढ़ो है ना आगे बढ़ो मतलब इसके यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा पांच बटा चार यह हो जाएगा छह बटा चार और यहां हो जाएगा सात बटा चार हो गया कितने खंड बने एक दो तीन चार चार खंड हमने बनाए और उसके बाद मतलब यहां से एक से लेके यहां के बीच में हमने चार खंड बनाए और यहां पर हमने आठ बटा चार लिखता तो यहां क्या होता चार 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 दूनिया आठ दो मिल गया तो इस तरह से हमने सात को रखा यहां पर मतलब जीरो से लेके हमारे इसके बीच में जीरो से बीच के दो के बीच में हमने कितने चार खंड बनाए जिसमें हमारा संख्या रेखा पर हमने इसको रखा और कहा मिला हमें सात बटा चार यहां मिला बहुत इजीली हमने इसको निकाल लिया कोई टफ नहीं है कोई हमें आ, मतलब हमें कोई पॉइंट व्इंट पे नहीं जाना बस यहां से हमें पता लगा लेना है कि हमने भाग इसलिए दिया क्योंकि हमें यह पता पड़ गया कि हमारा जो Uh, कह सकते हैं कि uh, हमारी जो uh, परिमेय संख्या आएगी वो एक से थोड़ी आगे जाएगी तो देखो एक से आगे चली गई क्योंकि यहां तो हमें एक मिल रहा था ना अब एक से आगे जाओ तो यहां मिल जाएगा हमें बहुत इजी है रखना अब माइनस पांच बटा छ है अब माइनस पांच बटा छ है इसको रखने का क्या तरीका होगा आप एक बार इसको देख लीजिए पांच बटा छे को रखने का क्या तरीका होगा देखिए वो तो रखाएगा पर हमारी परिमेय संख्या ऐसे चलेगी अब क्यों क्योंकि जीरो से माइनस वन इधर होता है है ना अब इतना तो पता पड़ गया कि भाई ये फ्रैक्शन हमारा हमारा जो आ, संख्या है वो क्या है प्रॉपर है प्रॉपर का मतलब एक भिन्न क्या है ये सही है क्योंकि हर क्या है ज्यादा है अब मुझे रखना है पांच बटा छे। तो पहले तो ये देखो कि मुझे एक कहां मिलेगा सबसे पहले जीरो कहां मिलेगा जीरो बटा छह यहां मिलेगा ठीक है अब उसके बाद वन कहां मिलेगा छह बटा छे पे वन मिल जाएगा अब छह टुकड़ों में इसको बांट दो एक दो तीन चार पांच छ ये कट गया मतलब छह भागों में हो गया ये अब उसके बाद ये वन है अब आप उसके बाद चलो ऐसे या तो जीरो से ऐसे चलते आओ या माइनस यहां पे मिला छह बटा छह यहां पे मिला पांच बटा छह यहां ही मिल गया पांच बटा छह आपको बहुत इजी तरीके से है ना पांच बटा आपको ये मिल गया क्योंकि छह बटा छ पे आपको एक मिल रहा था तो ये छे बटा तो था माइनस का छह बटा छाइनस ऐसे आगे चलो माइनस चार बटा छ ऐसे तीन बटा छ बटा छा छीरो बटा छः तो इस तरह से हम अपनी पूरी संख्या रेखा को क्या करते हैं पूरा बनाते हैं एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूं ताकि तो आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाए तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर जैसे मान के चलिए दो बटा सात को आपको लेना है एक परिमय संख्या पर मतलब एक संख्या रेखा पर रहना है इस परिमय संख्या को तो देखिए ये ये एक ए, ये एक जो हमारा भिन्न है वो बिल्कुल एक सही भिन्न है तो इसका जो मान आएगा वो कहा आएगा जीरो से लेकर वन के बीच में तो मैंने एक यहां पर एक संख्या रेखा बनाई यहां ले लिया मैंने वन और यहां ले लिया मैंने जीरो है ना अब उसके बाद क्या करना है सबसे पहले मुझे यह फाइंड करना है कि मुझे जीरो कहां मिलता है जीरो मिलता है जीरो मिल जाता है मुझे जीरो और उसके बाद सात बटा सात पे मुझे कहा मिलता है एक मिल जाता है है ना अब उसके बाद जब जीरो बटा यहां पर आपका है तो यहां पर यहीं से ही हम आगे चलते हैं है ना यहीं से हम आगे चलते हैं तो जीरो के बाद यहां पर जो एक आएगा उसके बीच में हमको मिलेगा अब देखिए इसको सात भागों में विभाजित कर लो ये हो गया एक दो तीन चार पांच छ और ये सात हो गया अब जीरो बटा सात है अब देखिए यहां पर मुझे एक बटा यहां पर क्या है एक मिल गया मतलब एक यहां एक मिल गया अब यहां से आ जाओ दो बटा सात है तो ये सात बटा सात है ये जीरो बटा सात है तो यहां पे एक बटा सात हो जाएगा या दो बटा सात हो जाएगा या तीन बटा सात हो जाएगा या चार बटा सात हो जाएगा या पांच बटा सात हो जाएगा या छह बटा सात हो जाएगा और सात बटा सात तो मुझे एक बटा सात दो बटा सात कहाँ मिला इस पॉइंट पे आके मिल गया तो इस इस तरह से हम लोग अपनी संख्या रेखा को बनाते हैं तो हम अगर चाहें तो आप इतने सारे नंबर नहीं भी बताओ तो कोई बात नहीं एक सबसे पहले क्या करो जब भी बनाना हो अगर एग्जाम में आपके पास आए बनाने के लिए तो इनको आप पेंसिल से काम करो ये वाला काम और ये वाला काम आप पेंसिल से करो ये वाला काम और ये वाला काम पेंसिल से करो और जहां आपको नंबर शो करना है केवल वो नंबर बता दो कि यहां आ जाएगा और यहां पर आप लिख दीजिए तो इस तरह से संख्या रेखा पर हमें निरूपित कैसे करते हैं ये भी आ गया हमें चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे क्या दिया हुआ है आगे मुझे दिया हुआ है माइनस दो बटा ग्यारह माइनस पांच बटा ग्यारह माइनस नो बटा ग्यारह को संख्या रेखा पर निरूपित करना है लेकिन सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि सारी संख्याएं क्या माइनस में है। तो हमारी सारी संख्या रहेंगी जीरो से लेकर माइनस वन इधर आ जाएंगी ठीक है जीरो से लेकर माइनस वन इधर चलेंगी ठीक है अब अब देखिए बात क्या है सबसे पहली बात देखिए कि मुझे जीरो कहां मिलेगा जब मैं जीरो बटा ग्यारह लिखूंगा मतलब माइनस है तो जीरो बटा ग्यारह लिखूंगा तो माइनस मिलेगा और यहां पर माइनस ग्यारह बटा ग्यारह अगर होगा तो मुझे माइनस वन मिलेगा अब ग्यारह बटा ग्यारह अब देखिए पूरी लाइन को ग्यारह भागों में विभाजित कर लो ये होगी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह ठीक है छोटे छोटे हुआ है आपकी कॉपी में बिल्कुल ठीक आएगा अब ग्यारह बटा ग्यारह जो है यहां पर मुझे एक मिला यहां पे जीरो बटा ग्यारह है अब आप चाहो किधर से भी आप लोग बढ़ना चालू करो देखो ये ग्यारह बटा ग्यारह है इसके पीछे क्या आएगा दस फिर आएगा फिर इसके पीछे पीछे आते आते कहां तक पहुंच जाएंगे हम एक पे तो देखो यह आ जाएगा दस बटा ग्यारह यह आ जाएगा माइनस का माइनस का नौ बटा ग्यारह आ जाएगा माइनस का आठ बटा ग्यारह यह हो जाएगा माइनस का सात बटा ग्यारह यह हो जाएगा माइनस का आठ बट माइनस का बटा ग्यारह माइनस का बटा ग्यारह माइनस का पांच बटा ग्यारह माइनस का चार बटा ग्यारह है ना मैं एक काम करते हैं यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग लाइन के हिसाब से चलेंगे ये माइनस का ग्यारह बटा ग्यारह इधर था माइनस का दस बटा ग्यारह है ना माइनस का नौ बटा ग्यारह माइनस का आठ बटा ग्यारह माइनस का सात बटा ग्यारह माइनस का छः बटा ग्यारह माइनस का पांच बटा ग्यारह माइनस का चार बटा ग्यारह माइनस का तीन बटा ग्यारह माइनस का दो बटा ग्यारह माइनस का एक बटा ग्यारह देन जीरो बटा ग्यारह है ना अब देखिए इतनी सारी चीज लेकिन अब मुझे बताना क्या था दो बटा ग्यारह किधर आ रहा था ये मेरा दो बटा ग्यारह आ गया ठीक है उसके बाद क्या बताना माइनस पांच बटा ग्यारह ये पांच बटा ग्यारह आ गया उसके बाद बताना क्या 9 बटा ग्यारह ये 9 बटा ग्यारह आ गया देखिए कितना इजी होता है संख्या रेखा पर रखना और हमने सबसे पहले पहचाना कि हमको ये कहा मिल रहा है तो हमने देखा ग्यारह माइनस ग्यारह बटा ग्यारह मुझे माइनस एक मिल रहा है तो ये माइनस एक से जीरो के बीच में रहेगी क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया है है कि अगर अगर हमारा हमारा जो जो भिन्न वो सही है तो संख्या जीरो से लेकर के बीच में रहेगी क्योंकि माइनस था तो जीरो से लेकर वन के बीच में रहेगी माइनस के बीच में रहेगी तो ये देखिए जीरो से लेकर माइनस के बीच में माइनस से जीरो के बीच में आपको यह संख्या मिल गई प्लस में होती तो जीरो से लेकर उधर वन के बीच में मिलती ये माइनस है इसलिए इधर साइड मिली तो देखा आप लोगों ने कितना ईजी है को रखना किस तरह से इसको करना मतलब बहुत आसान है संख्या रेखा पर रखना तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला क्वेश्चन है कि माइनस दो बटा पांच और एक बटा दो के मध्य दस परिमेय संख्या ज्ञात करना अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये संख्या मतलब क्या है परिमेय संख्या निकालना ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो इसके बीच की जो परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या निकालने का जो क्वेश्चन है वो शायद आपने सिक्स में भी पढ़ा होगा एट में भी इवन जब आप नाइन्थ क्लास में जाओगे तब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि परिमेय संख्या निकालते कैसे तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि परिमेय संख्या निकालने की बहुत सारी मेथड होती है बहुत सारे तरीके होते हैं परिमय संख्या को निकालने की बट ये आपके है कि आपको किसका तरीका अच्छा लगता कि संख्या निकालने के तरीके अलग होते है ना तो उनके आंसर्स भी बहुत बहुत अलग होते हैं याद रखना ये चीज ऐसा नहीं है कि जो आपको कराया जाए तो उसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक से मैच हो हमें केवल वो परिमेय संख्या बीच की फाइंड करना है अब वो कोई तो सी भी परिमेय संख्या हो सकती है बट मुझे बीच की परिमेय संख्या फाइंड करना है जैसे मुझे दिया है है ना माइनस दो बटा पांच और एक बटा दो के मध्य दस परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो सबसे पहले माइनस दो बटा पांच और एक बटा दो के बीच में दस परिमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले देखो आपने देखा है हर की दोनों चीजें यहां पर क्या अलग अलग है तो पहले में दोनों हर को ये जो दो है इस नीचे ये दो है इसका गुणा दोनों तरफ कर दूं पहले ताकि हर एक तरफ और नीचे पांच है इसका गुणा दोनों तरफ कर दूं क्या होता है कि जो हर है उसका गुणा दोनों में और इसका जो हर है इसका गुणा दोनों में करके पहले क्या करता हूं मैं इनके हर को एक कर लेता हूं तो माइनस चार बटा दस और ये पांच बटा दस हो गया अब देखिए माइनस चार और पांच बटा दस के बीच में अगर मैं देखूं परिमेय संख्या तो कितनी होती है एक बार हम जैसे अंदाजा लगाते हैं एक संख्या रेखा बनाता हूं यहां लगाता हूं मैं जीरो अब देखिए माइनस चार बटा दस से माइनस चार मा, है ना एक बार हम चल के देखते हैं ना क्या हो जाएगा यहां पे रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक फिर जीरो फिर एक फिर दो फिर तीन फिर चार है ना मतलब मेरे को कितनी संख्या मिल रही है इसके बीच में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ही संख्या मिल रही है अब मेरी दो संख्या बीच में मिसिंग जा रही है मेरे को निकालना है कितनी दस अब क्या करेंगे अब एक काम और करो उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है आप एक काम करो आप अपने मन से यहां पर दो से गुणा कर दो वो क्यों किया मैं बता रहा हूं यह हो जाएगा चार दुनी आठ तो माइनस आठ और यह हो जाएगा पांच दुनी दस दस बटा ये हो गया अब देखो माइनस आठ से लेकर दस के बीच में आपको कितनी परिमय संख्या मिलती है तो मैं यहां पर एक रफ लिखते जा रहा हूं फिर काउंट कर लेना उनके बीच में से जो भी पांच परिमय संख्या निकलेगी ना या दस जो निकलेगी वही हमारी मेन परिमय संख्या होगी माइनस सात बटा बीस माइनस छ बटा बीस माइनस पांच बटा बीस माइनस चार बटा बीस माइनस तीन बटा बीस है ना माइनस एक बटा बीस है ना जीरो बटा बीस उसके बाद एक बटा बीस दो बटा बीस तीन बटा बीस ठीक है और उसके बाद चार बटा बीस पांच बटा बीस कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस हमें तो दस वैसे ही मिल गई अब इसके बीच की कोई भी परिमेय संख्या आप लिख दो वो परिमेय संख्या हो जाएगी एक तो इसका ट्रिक ये है आप तीन से भी गुणा कर सकते हो हमको बस बीच का जो गैप है ना वो ढूंढना है और कुछ नहीं करना होता है बहुत सी क्लासेस में कुछ मेथड ऐसा बताया जाता है कि बोला जाता है कि भैया दस परि में संख्या निकालिए तो क्या करेंगे दस प्लस एक ग्यारह तो क्या करेंगे दोनों तरफ ग्यारह से गुणा कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा चार बटा दस का ग्यारह से गुणा कर देंगे और इधर पांच बटा दस का से गुणा कर देंगे अब इसके बीच की ग्यारह तो, तो, तो दोनों तरफ ग्यारह ग्यारह से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो अब इनके बीच की जो परिमय संख्या आएगी वो परिमय संख्या आपकी क्या हो जाएगी वो भी परिमय संख्या बीच की कैलकुलेट कराएगी लेकिन हम हमें इतना ज्यादा नहीं भी जाओ अगर आपको यह मेथड लगे तो आप यह भी मेथड कर लो कोई दिक्कत नहीं है बस मैं आपको सिखाना यह चाह रहा हूं कि हमको केवल बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो उसका कोई भी मेथड हो सकता है आप कोई भी मेथड यूज करो वो बस सही होना चाहिए हमें बीच की मेथड निकालना थी बीच के परिमेय संख्या के नंबर निकालने थे हमने निकाल ली हमारा आंसर आ गया और उसके अलावा भी जो आपको मेथड लगती है आप वो यूज करो हमारा तब भी सही होगा आंसर है ना देखिए अगला क्वेश्चन भी आता है हमारा तीन बटा पांच और तीन बटा चार के बीच में दस परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो देखिए इसका भी मेथड बिल्कुल वैसे ही है है सबसे पहले इनके जो अंश ना उनको हमको एक जैसा कर लेना है जैसे ये लिखा है तीन बटा पांच और लिखा है तीन बटा चार तो सबसे पहले ये जो चार है इसका आप ऊपर गुणा कर दीजिए और ये जो पांच है इसका गुणा यहां कर दीजिए तो तीन चौको बारह चार पंजे बीस पांच या पंद्रह चार पंजे बीस अब देखिए दस परिमय संख्या निकालना है और पंद्रह और बारह और पंद्रह के बीच में मेरे हिसाब से सात परिमय संख्या होगी मुझे क्या निकालना है दस परिमय संख्या निकालना है तो एक काम करिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए तो यहां पे तीन का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ ठीक है तो ये कितना हो जाएगा बारह तिया छत्तीस और तीन दुनी छह और ये कितना हो जाएगा पंद्रह तिया और ये हो जाएगा साठ अब देखिए छत्तीस और 45 के बीच में जो परिमय संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी छत्तीस और 40, अड़तीस इकतालीस तैतालीस चवालीस 45 नौ परिमय संख्या आएगी तो ये क्या हो रहा है अगर आपको लग रहा है देखिए छत्तीस सैतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बने तैतालीस चवालीस चवालीस मतलब आठ परिमय संख्या यहां पर भी आ रही है तो अब अगर इसके बीच का मुझे और गैप बढ़ाना है तो आप इसमें चार का गुणा कर दीजिए तो आपका गैप और बढ़ जाएगा है ना तो यहां पर आप चार का गुणा करके देख लीजिए या आप एक काम करिए इससे बड़ी और देख लीजिए यहां पर मैं केवल आपको परिमेय संख्या का निकालने का तरीका बता रहा हूं कि हम लोग और कितना आगे हो सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं चार से गुणा करके देख लेते हैं हमें ज्यादा आगे नहीं जाना है मतलब कहने का मतलब यह है कि हम केवल यह समझना चाहते हैं कि हमें बस परिमेय संख्या के बीच का डिफरेंस पता पड़ जाए बस डिफरेंस पता पड़ जाएगा तो हमारे परिमेय संख्या परिवहन अड़तालीस और 48 और 120 ठीक है और ये पंद्रह चौको 60 और ये 120 अब देखिए आपको इसके और इसके बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा और इनके बीच की दस परिमय संख्या क्या हो जाएगी जैसे फोर्टी मतलब उन पचास इक्यावन बावन त्रेपन चौवन पचपन छप्पन संतावन अंठावन और उनसठ कितनी हो गई एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और एक परिमय संख्या एक बीस कर दो यहां पर नीचे में तो देखा आप लोगों ने हमको केवल क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस उसके बीच में आप लोग क्या नंबर रखोगे जिसके बीच में आपको उसका बीच का डिफरेंस पता पड़ जाएगा तो देखिए ये हमने एक परिमय संख्या निकाली ये हमारी परिमय संख्या ये दस परिमय संख्या आप कोई सी भी काउंट काउंट करके यहां पे लिख दो आपकी परिमय संख्या हो जाएगी है ना या इसका तरीका एक ये भी है कि कितनी हो जाएगी दस प्लस एक तो ग्यारह तो आपकी जो संख्या आई थी बारह बटा इसमें भी आप ग्यारह का गुणा कर दो और उसके बाद पंद्रह बटा इसमें भी आप क्या कर दो ग्यारह का गुणा कर दो अब इसके बीच की जो परिमेय संख्या आप लोग जो गुणा करके इनका लिखोगे तो इनके बीच की जो परिमेय संख्या आएगी वो भी परिमेय संख्या होगी मतलब मैंने देखिए एक इससे भी छोटा तरीका यह है, है कि इसमें आप लोग करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा जाएगा इसमें आप देखोगे तो आप बस एक ट्रिक अपना लो कि मुझे इसका डिफरेंस ढूंढना है अगर तीन से भी पास आ रहा था चार से करो तो चार से देखो बारह चौको बारह चौको अड़तालीस और पंद्रह अड़तालीस और साठ के बीच में आपको डिफरेंस दिख गया तो आप उन पचास, पचास, इक्यावन, बावन, चौवन पचपन छप्पन संतावन अंठावन उनसठ तो ये हो गई परिमय संख्या अब इसके बीच की दस परिमय संख्या आप लोग लिख सकते हो तो देखा आप लोगों ने कितना अच्छा ट्रिक है यहां एक क्वेश्चन और मेरा छूट रहा है जो मैं आपको बता देता हूं जैसे मान के चलिए आपको बोला जाए कि एक बटा दो और एक बटा दो और तीन बटा पांच के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए मतलब मुझे एक परिमेय संख्या निकालना है एक बटा दो और तीन बटा पांच के बीच में मुझे एक परिमेय संख्या निकालना है अब उसका करने का तरीका क्या होता है उसका एक फॉर्मूला होता है x y. X y, उसका एक फॉर्मूला होता है इसमें जब भी आपको कभी एक क्वेश्चन आए कि भाई इसके बीच की एक परिमेय संख्या निकालो तो क्या करोगे आप लोग वन अपॉइंट टू यहां देखोगे वन अपॉइंट टू प्लस थ्री अपॉइन फाइव एक्स की जगह एक बटा दो और वाई की जगह पे थ्री अपॉन फाइव अब आप इसको करो सॉल्व कैसे करोगे ये हो जाएगा पांच दुनी दस ठीक है पांच एगम पांच और तीन दुनी छह कितना हो जाएगा एक बटा दो और ये हो जाएगा ग्यारह बटा दस ठीक है अब ये क्या हो जाएगा ग्यारह बटा बीस है ना तो कभी भी आपको एक परि संख्या निकालना आए तो आपका आपके सामने जो फॉर्मूला होता है ना वो ये भी हो जाता है और ये फॉर्मूला इस रूप में भी आता है a प्लस बी के इसमें भी आता है तो a प्लस बी हो या एक्स वाई हो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें करना क्या है x की जगह पर वन पॉइंट टू रखना है y की जगह पर थ्री पॉइंट फाइव रखना है हम लोग जानते हैं एल्सियम कैसे रखते हैं पांच दुनी दस पांच पांच, चे, चे और पांच, एक बटा दो तो चल ही रहा था का निकालना हो या दस परिमय संख्या निकालना हो सबका तरीका बिल्कुल ऐसा होता है इस तरह से हमने अपने फर्स्ट चैप्टर मतलब अध्याय एक परिमय संख्या का एक वन शॉर्ट रिविजन हमने कंप्लीट किया आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग भी इसी क्वेश्चनों को फॉलो करिए और आपके एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों में से हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए तो इसलिए मैंने जो अपना जो इस वीडियो में मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को चूज किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और हमारे रिविजन को भी वो कंप्लीट करें लेकिन आप सभी को मैग्नेट बेन्स में जाना कैसा है हमारे चैनल को आपको देखना कैसे है तो उसका एक तरीका है क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग गूगल फॉर्म ओपन करेंगे गूगल पेज उस पे आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा आप लोगों को हिंदी मीडियम में जब भी जाना रहेगा तो आपके सामने हिंदी सीबीएसई हिंदी मीडियम का जितना भी सिलेबस रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा यहां जैसे मैथ्स है जब आप मैथ्स पे आएंगे तो मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा जितने भी आ, कक्षा आठवीं में जो भी अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं वो सभी आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से यहां पर आपको जो भी अध्याय है वो सारे आपको लाइन से पूरे देखने को मिलेंगे आपको जो भी वीडियो देखना है आप उस पर क्लिक करो जो भी अध्याय देखना है आप उस पर क्लिक करो तो मेरे द्वारा जितने भी बनाए जाए वाले वीडियो हैं वो सभी आपको अपनी मातृभाषा में देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से तो बस बने रहिए हमारे साथ पर कहां बने रहना है मैग्नेट बेन्स हिंदी जो देता है सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक का एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री में जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है आप अपने छोटे बड़े भाई बहन अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में बताइए हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए थैंक यू